नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुनगी। हम ललितपुर मुख्यालय के मऊठाना स्थित श्री दिगंबर जैन नया मंदिर जी में हैं, जहां पर आज प्रातःकालीन एक धार्मिक अनुष्ठान के अंतर्गत भगवान श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान का अभिषेक पूजन, शांति धारा एवं श्री शांतिनाथ विधान आयोजित हुआ। इस धार्मिक अनुष्ठान के उपलक्ष्य का कारण था कि हमारे ललितपुर शहर के ख्याति प्राप्त पत्रकार बाबू ज्ञानचंद जी अलिया, जिनके सुपुत्र श्री अनिल कुमार जी अलिया आयकर विभाग के एडवोकेट हैं, उनके सुपुत्र अंकुर जैन अलिया जो चंडीगढ़ में अपर आयुक्त के पद पर तैनात हैं, उन्होंने अपने पुत्र अर्जित जैन अलिया, मास्टर अर्जित जैन अलिया जो 8 वर्ष के हो गए हैं, उनके जन्मदिन को उन्होंने धार्मिक अनुष्ठान के क्रम से जोड़कर मनाया। और इस धार्मिक अनुष्ठान में आर्का श्वेतमती माता जी, आर्का विदेशमती माता जी का मंगल सानिध्य हुआ, उनके मंगल प्रवचन हुए, उनके ही सानिध्य में शांति धारा विधान अभिषेक पूजन हुआ। सभी ने, पूरे अलिया परिवार ने भक्ति भाव से धार्मिक अनुष्ठान को विधिपूर्वक मनाया। हमारे साथ हैं अपर आयुक्त श्री अंकुर अलिया जी जो चंडीगढ़ में तैनात हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि जन्म उत्सव को, अपने बेटे अर्जित अलिया के जन्म उत्सव को आपने इस धार्मिक अनुष्ठान के क्रम में क्यों जोड़ा, क्या है कारण और अर्जित अलिया के प्रति उनकी क्या सोच? जैसा कि मेरे मित्र और चाचा जी रवि जी ने बताया कि आज अर्जित 8 साल का हुआ है, तो मेरे पिताजी अनिल कुमार जी अलिया का ये सोच थी कि हमारे दादाजी, मेरे दादाजी ज्ञानचंद जी अलिया ने जो हम सबको एक प्रेरणा स्वरूप दिया है कि हर चीज़ की शुरुआत धर्म के साथ होनी चाहिए, तो बहुत दिनों से ये पापा का प्लान चल रहा था कि इस जन्मोत्सव को जो 8 साल का है, जो एक उम्र में एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन होता है, तो सबने सोचा कि इसको एक धर्म अनुसार मनाना चाहिए। हर धर्म में 8 साल के होने पर कुछ न कुछ प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है, सभी धर्मों में ऐसा है। तो जैन धर्म के अनुसार आज से जब 8 साल का बच्चा होता है तो उसको अभिषेक करने का, पूजन करने का, सब तरह के अनुष्ठान करने का एक वो मिल जाता है, राइट मिलता है। लेकिन उसके भी अपने प्रारूप है, स्वरूप है कि कैसे वो क्रियाएं होनी चाहिए। तो हमें सानिध्य मिला मनोज भैया जी का, माता जी का, जिसने अर्जित का आज सारे ये संस्कार कराए। और हम ये प्रेरणा भी देना चाहते हैं कि हम सबको ऐसे कोशिश करके, क्योंकि 8 साल के होने के बाद अभिषेक करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर जैन पुरुष के मन में एक जिज्ञासा होती है, एक वो होता है कि मैं कब अभिषेक करूँगा, कैसे अभिषेक करूँगा। तो ये बच्चों का जो उत्साह है, इसको आज मूर्त रूप देने की वजह से हमने ये प्रोग्राम रखा है। और फॉर्चुनेटली दिवाली का दिन था, आज दोष का दिन है, ललितपुर हमें आना ही था और इस प्रोग्राम में 4 चांद लग गए। जब पूरे समाज ने, सब लोगों ने, सारे जो हमारे प्रेमी जन है वो हमारे निकट हैं और हम इस उत्सव को, इस प्रोग्राम को एक उत्सव के रूप में मना पा रहे हैं। धन्यवाद। जैसा कि हमारे अंकुर अलिया जो हमारे सभी के भतीजे हैं, चर्चित भतीजे हैं, लेकिन उनका पद अपर आयुक्त के पद पर, आयकर विभाग का जो अतुल अपर आयुक्त पद है, वह तैनात हैं चंडीगढ़ में। उन्होंने जैसा बताया कि संस्कार का शंखनाद बच्चों से शुरू होता है, जैसा कि सभी धर्मों में, सनातन धर्म में, जैन धर्म में, हर धर्म में जब बच्चा 8 साल का होता है तो उसे धार्मिक अनुष्ठान करने का जो सौभाग्य शुभारम्भ होता है, वह आज मास्टर अर्जित अलिया को हुआ है। उन्होंने आर्का माताओं के सानिध्य में जैन नया मंदिर जी में अनुष्ठान किया। यकीनन उनके शुभचिंतक, रिश्तेदार, नातेदार, समाज के हर वर्ग के लोग उन्हें आकर शुभकामना दे रहे हैं, शुभाशीष दे रहे हैं। तो यकीनन इस बच्चे में, अर्जित अलिया में संस्कारों का शंखनाद होगा और आने वाले समय में वे अपने पूज्य दादा ज्ञानचंद जी अलिया, उनके दादाजी के दादाजी जो ज्ञानचंद अलिया हैं, जो दादाजी अनिल कुमार जी अलिया हैं एडवोकेट, और अपने पिता अपर आयुक्त चंडीगढ़ में तैनात हैं आयकर विभाग में अंकुर अलिया, उनका अपना स्वरूप, उनकी प्रेरणा अपने जीवन में आत्मसात करेगा। अर्जित अलिया को ललितपुर लाइव टीवी की ओर से भी हार्दिक शुभकामनाएं। ललितपुर लाइव टीवी से मनोज जैन के साथ रवि चुनगी की।
bell icon. Never miss an update.